हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू ग्लैम डीफा। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं फिर से एक बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक्स का रिव्यू और स्वैचेस करने जा रही हूँ। एंड दीज आर ब्लू हेवन वॉक फ्री मैट लिपस्टिक्स। और ये लिपस्टिक्स अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई हैं और इन्हें मैंने कुछ टाइम पहले ही नायका पर देखा था। सो आई परचेज्ड वन शेड फ्रॉम देयर और बाकी के दो शेड्स मैंने पर्पल से परचेज किए थे। नायका पर ये मुझे 85 रुपीज की मिली थी, जो इन लिपस्टिक्स का ओरिजिनल प्राइस है। एंड आप देख सकते हैं दीज आर सो अफोर्डेबल। पर जिस टाइम मैंने इन्हें पर्पल से परचेज किया था, तो उस टाइम बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा था, तो मुझे एक लिपस्टिक 42.5 यानी कि जस्ट रुपीज़ 43 की पड़ गई थी। एंड आई थिंक दिस वे इट इज़ द चीपेस्ट लिपस्टिक अवेलेबल एंड आई एम रियली हैप्पी टू बाय दीज। और वैसे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं और काफ़ी अच्छे भी होते हैं, और इस बार तो ये लिपस्टिक रेंज मुझे बहुत पसंद आई है। तो चलिए अब मैं आपको इन लिपस्टिक्स का शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। तो पहले पैकेजिंग की बात करें तो ये इस तरीके की ब्लैक पैकेजिंग में आती है और इस पर वाइट कलर से ब्लू हेवन वॉक फ्री मैट लिपस्टिक लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक सील मिलेगी जिस पर लिखा होगा डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोडक्ट इफ़ सील इज़ ब्रोकन। तो जब आप लिपस्टिक यूज़ करेंगे तो उससे पहले आपको ये सील खोलनी है, लेकिन आपको जब प्रोडक्ट रिसीव होता है तो उस टाइम पर ये होनी चाहिए, जिससे लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं हुआ है बिफोर, मतलब वो फ्रेश प्रोडक्ट है, अनयूज्ड है। तो जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप इसे खोल लें। मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ बिफोर डेट्स दे रखे हैं और आप इन्हें 2 से 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस भी दे रखा है और यहाँ शेड नंबर और शेड नेम दे रखा है और प्रोडक्ट क्वांटिटी भी मैंशनड है, जो कि 4 ग्राम्स है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वान्टिटी है। और इसका जो कैप है ना, वो जब आप पहली बार लिपस्टिक खोलेंगे तो थोड़ा सा टाइट लगता है, लेकिन उसके बाद अच्छे से खुल भी जाता है और बंद भी आराम से हो जाता है। और बहुत हल्की सी फ्रेग्रेंस है इनमें। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो इनका फॉर्मूला सॉफ्ट मैट है, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि शेड वाइज भी इनका फॉर्मूला थोड़ा डिफर करता है। जैसे कि कुछ शेड्स जो हैं वो ज़्यादा मैट हैं कंपैरिजन में दूसरे शेड्स के, बट ओवरऑल दीज आर मैट लिपस्टिक्स एंड आर ऑल्सो कम्फर्टेबल टू वेयर। और लास्टिंग पावर की बात करें तो ये 3 घंटे तक आपके लिप्स पर स्टे कर सकती हैं, उसके बाद ये फेड होने लगती हैं एंड देन यू विल हैव टू टच अप। और अगर आप बीच में कुछ खाएंगे पियेंगे तो ये ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, स्मच प्रूफ नहीं है। ट्रांसफ़र करती हैं बट ज़्यादा नहीं, और ब्लीड नहीं करती हैं और स्मच भी बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं। ये लिपस्टिक्स लाइट वेट हैं, दे डोंट फील हैवी ऑन द लिप्स एंड दे गिव अ ब्यूटिफुल मैट फिनिश विच इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल। ओवरऑल दे आर वेरी गुड लिपस्टिक्स। और अगर पिगमेंटेशन की बात करें तो बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है इन लिपस्टिक्स का। और अगर आपने अच्छे से एक बार लिपस्टिक लगा ली है तो आपके लिप्स पे अगर कोई पिगमेंटेशन है तो वो कवर हो जाएगी। बाकी प्राइस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से आई रियली लाइक दीज लिपस्टिक्स एंड आई हाईली रिकमेंड दीज ऑल्सो। इतने कम प्राइस में इतने अच्छे फॉर्मूले के साथ, यू नो, 200 से 300 रेंज की कई लिपस्टिक्स को ये आराम से बीट कर सकते हैं। तो आप इन लिपस्टिक्स को ज़रूर ट्राई करके देखें। इनमें आई थिंक टोटल 11 या 12 शेड्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग रेड्स, पिंक्स, प्लम्स एंड न्यूड्स। ऑफलाइन या ऑनलाइन इन्हें बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको और सस्ती मिल सकती हैं डिस्काउंट्स के टाइम पर। तो चलिए अब जो लिपस्टिक शेड्स मेरे पास हैं उनके स्वैचेस देख लेते हैं। सो द फर्स्ट शेड इज़ चॉकलेट मूड और ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। ये एक मरूनिश ब्राउन टाइप का शेड है जो कि हर स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगेगा, और डीपर स्किन टोन्स के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूड शेड लगेगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो सॉफ्ट मैट है, अच्छे से अप्लाई हो जाता है और कम्फर्टेबल भी है, आपके लिप्स को ड्राई नहीं करती। और दूसरा शेड है हार्ट बीट और ये भी बहुत ही गॉर्जियस ऑरेंज बेस्ड रेड शेड है, जो कि सभी स्किन टोन्स पर बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको डे टाइम में रेड शेड लगाना पसंद है तो आप इसे डे टाइम में लगाइए, नाइट टाइम में लगाइए, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। और अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो ये चॉकलेट मूड की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मैट है, बट दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स।
एंड द लास्ट शेड इज़ चेरी मी. ये इतना खूबसूरत चेरी रेड शेड है, स्पेशल टू वेयर एट द नाइट टाइम. ये नाइट पार्टीज में आप वेयर कीजिए, वेडिंग्स में आप वेयर कर सकते हैं. ब्राइडल मेकअप के लिए बहुत अच्छा यू नो लिपस्टिक ऑप्शन है, इतना अफोर्डेबल, और ये आपके लुक को यू नो एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा. अगर आप एक अच्छी और अफोर्डेबल ब्राइडल रेड लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं अंडर ₹100, देन दिस इज़ द वन टू गो फॉर. दिस इज़ रियली अ ब्यूटिफुल, वेरी गॉर्जियस शेड. और अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हार्ट बीट शेड से भी थोड़ा सा ज़्यादा मैट है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा लास्ट करती है आपके लिप्स पर. और वैसे कंफर्टेबल टू वेयर है, लेकिन अगर आपके एक्स्ट्रा ड्राई लिप्स हैं तो आप लिप बाम लगा सकते हैं, पहले उसे वाइप ऑफ कर दें उसके बाद लिपस्टिक लगाएँ. तो ये थे स्वैचेस और मेरा रिव्यू ब्लू हेवन वॉक फ्री मैट लिपस्टिक्स के बारे में. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी. अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल ग्लैम डीवा को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे. थैंक यू सो मच. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव. अल्लाह हाफिज़.